बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर 5 डिस्टेंस टाइम एंड टेम्परेचर। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें बी नंबर ये सही है। इसके बाद है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है, 68 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 68 में कितने होंगे, तो 68 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 68,000, तो ये इसमें सही है। इसके बाद है, 68,000 मीटर इज इक्वल टू डैश। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 68,000 में कितने होंगे, तो 68,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो का इजाफा होगा, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है, 63,562 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 1000 पे डिवाइड करें, तो ये जब 1000 पे डिवाइड होगा तो 0.3 डेसिमल राइट साइड पे जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है यानी 0.0, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, तो 3 और 5 के दरमियान पॉइंट आएगा, तो इसमें ए सही है। इसके बाद है, 4 किलोमीटर 102 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। इसको अब साल करें, तो बुक वालों ने साल किया है, 4 किलोमीटर बराबर है 4000 मीटर के, तो 4000 मीटर हो जाएगा प्लस 102 मीटर, तो इससे आता है 4102 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो का इजाफा होगा, तो इसमें आता है 4,10,200 सेंटीमीटर, तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद है, 23,540 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 पे डिवाइड करें, तो जब 100 पे डिवाइड होगा तो पॉइंट जो है ये इधर आएगा पाए और पोर के दरमियान, तो इसमें डी जो है ये सही है। इसके बाद है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है, 31 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, इसके बाद इसको 12 के साथ ऐड करें, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 31 सेंटीमीटर बराबर होगा, 31 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 310, और इसको 12 के साथ ऐड करें तो इससे आएगा 322, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है, 632 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसको 10 पे डिवाइड करें, तो जब 632 को 10 पे डिवाइड करें तो इससे आएगा 63.2, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है, 50 किलोमीटर 880 मीटर 2 70 किलोमीटर 750 मीटर इज इक्वल टू डैश। अब इस दोनों को और इस दोनों को इसको हमने ऐड करना है, इसको हम साल करते हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो मीटर जो है इसको पहले ऐड करते हैं, तो 0 फिर 8 प्लस 5 से 13 फिर 1 यहाँ पे 8 प्लस 1 से 9 9 प्लस 7 से 16 फिर इसको ऐड करते हैं, तो 0 प्लस 0 से 0 और 7 प्लस 5 से 12। इसके बाद ये जो है मीटर में है और ये 1000 से ज़्यादा है, तो इसमें से 1000 मीटर जो है वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये 121 किलोमीटर हो जाएगा और ये 630 मीटर जो है ये बच जाएगा, तो इसमें ये सही है, तो बी का ऑप्शन सही है। इसके बाद है, सबट्रैक्ट 3 किलोमीटर 6 मीटर फ्रॉम 7 किलोमीटर 3 मीटर। अब इसको हम साल करते हैं, तो 7 किलोमीटर और 3 मीटर ये प्राम के बाद था, सब्ट्रैक्शन में जो भी प्राम के बाद आए इसको ऊपर लिखना है और प्राम से पहले जो हो इसको नीचे लिखना है,
तो 7 किलोमीटर और 3 मीटर है, ये 3 किलोमीटर और 6 मीटर है। अब मीटर को हम मीटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 3 मीटर है और ये 6 है, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो हम कैरी लाएंगे, मगर इसका यूनिट किलोमीटर है और ये मीटर है, तो हम 1000 मीटर यहाँ से कैरी करेंगे, 1000 मीटर, तो यहाँ पे ये 6 किलोमीटर बच जाएगा। अब 1000 मीटर से 6 मीटर को माइनस करें तो इससे आएगा 997 मीटर, और ये 6 किलोमीटर रह गए, तो 6 किलोमीटर से 3 किलोमीटर माइनस करें तो इससे 3 किलोमीटर आएगा, तो 3 किलोमीटर 997 मीटर का ऑप्शन ये सही है। इसके बाद है अस्माबाट 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइट क्लाथ एंड 5 मीटर 75 सेंटीमीटर ग्रीन क्लाथ टू मेक प्लेग्स, हाउ मच इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द क्लाथ। बिल्कुल वही तरीका है जो हमने एडिशन में किया, तो इसमें 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर ये सही है। इसके बाद है 1 सेकंड इज इक्वल टू डैश, तो 1 सेकंड हमारे पास इक्वल है 1/60 मिनट के, यानी मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड में 1/60 मिनट होंगे, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन 30 मिनट्स, तो 1 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 30 मिनट्स में कितने होंगे, 30 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1800, तो ये इसमें सही है। इसके बाद है 660 मिनट इज इक्वल टू डैश हावर्स, तो मिनट को जब हावर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 60 पे डिवाइड करें, तो 660 को 60 पे डिवाइड करें तो इससे 11 आएगा, तो 11 इसमें ये सही है। इसके बाद है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 340 डेज, तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज, तो 340 डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है तो इसको 30 पे डिवाइड करें, यहाँ बुक वालों ने डिवाइड किया है, 340 को 30 पे डिवाइड किया है तो इसमें आता है 11 मंथ्स और रिमाइंडर जो रहता है वो डेज होगा, तो 11 मंथ और 10 डेज इसमें ये सही है। इसके बाद है डिग्री सी इज इक्वल टू डैश, इस बुक में 2 किस्म के स्केल है, एक फारेनहाइट स्केल और दूसरा सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड वो हमारे पास इक्वल है 5/9 इनटू फारेनहाइट -32, तो ये सही है। इसके बाद है फारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू डैश, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ये सही है। इसके बाद है 40 डिग्री सी इज इक्वल इन फारेनहाइट, अब इसको हम साल करते हैं, अब इसको हम साल करते हैं, गिवन किया है 40 डिग्री सी, इसको हमने फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग 9/5c+32, अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, तो डिग्री सी की वैल्यू क्या है 40 है, तो 9/5 फिर 40 फिर +32, इसके बाद डिवीजन का अमल करें, तो 40 को 5 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास क्या आता है 8, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का अमल है, तो 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 72 प्लस 32 से आता है 104, तो ये हुआ 104 फारेनहाइट, तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद है द टेम्परेचर मेजर्ड इन फारेनहाइट स्केल इज 95 फारेनहाइट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, अब हमें फारेनहाइट में गिवन है, इसको हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम साल करते हैं, अब इसको हम साल करते हैं, गिवन किया है 95 फारेनहाइट, इसको हमने सेंटीग्रेड में चेंज करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला 5/9f-32, अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करना है, तो एफ की वैल्यू क्या है 95 5/9f-32, यानी 95-32, फिर इसको माइनस करें तो 5/9 95-32 से आता है 63, अब 63 को 9 पे डिवाइड करें, तो 9 × 1 9 × 7, इसके बाद 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 35, तो 35 डिग्री सी हमारा आंसर है।
तो इसमें ये सही है। इसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ अ समर वीक डेज आर 37°C 42°C अप टू 36°C रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। तो एवरेज का फार्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इन तमाम को ऐड करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको ऐड करें और इसको 6 पे डिवाइड करें। तो यहाँ बुक वालों ने सॉल्व किया है, सबको ऐड किया है तो इससे आता है 226, फिर इसको 6 पे डिवाइड किया है तो इससे आता है 37.666। तो इसको जब राउंड अप करें तो इससे आएगा 37.67, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है मीटर इज 1000 पार्ट ऑफ आर डैश हो। तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो इसमें किलोमीटर जो है ये सही है। इसके बाद है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 3 hour 30 minutes। 3 hour में 180 मिनट होते हैं तो 180 और 30 इसको ऐड करें तो इससे आता है 210। तो 210 इसमें ये सही है। इसके बाद है अ सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम विच इज 1/60 ऑफ अ डे शो। तो मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इसमें मिनट का ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद है देर आर मंथ्स इन 2 year। तो एक साल में 12 महीने होते हैं तो 2 साल में कितने होंगे, तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 जो है इसमें ये सही है। फिर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज डैश हो। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37°C है तो इसमें 37°C ये सही है। इसके बाद है द बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज डैश हो। तो डिस्टेंस का बेसिक यूनिट जो है वो मीटर है तो मीटर इसमें सही है। इसके बाद है 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो के से मुराद 1000 है तो 1 kilogram में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 इसमें सही है। इसके बाद है अ स्कूल स्टार्ट एट 8 AM एंड 3 PM देर आर 8 seasons ईच डे विद अ ब्रेक ऑफ 1/2 hour। व्हाट द टाइम ऑफ ईच सीजन। स्कूल 8 बजे से स्टार्ट होता है और 3 बजे पे ख़त्म होता है और टोटल पीरियड कितने हैं, 8 है, इसमें ब्रेक 1/2 hour है यानी 30 minutes। तो टोटल पीरियड का टाइम कितना है यानी एक पीरियड का या एक क्लास का टाइम कितना है इसको हम सॉल्व करते हैं। स्कूल 8 बजे से स्टार्ट होता है और 3 बजे पे ख़त्म होता है तो ये टोटल 7 घंटे हुए, 7 hours। तो 7 hour जो है वो बराबर है 420 मिनट के। तो टोटल 420 मिनट हुए, इसमें 30 मिनट ब्रेक है तो ब्रेक को हम माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 390। फिर 390 को 8 पे डिवाइड करें, टोटल 8 क्लासेस है तो 8 पे डिवाइड करें, 8 × 4 से 32, फिर 7 रहता है, फिर 0 को यहाँ पे लाएं, 8 × 8 से 64, इसके बाद क्या रहता है 600, फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हो, फिर 8 × 7 से 5600, तो इस यहाँ पे 4 रहता है, फिर 8 यहाँ पे 0 लगाएं, 8 × 5 से 40, तो ये ख़त्म, तो क्या रहता है 48.75। अब 48 मिनट है और 75 सेकंड है तो 75 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 75 को 60 पे डिवाइड करें, 75 को 60 पे डिवाइड करें, 60 × 1 से 60, तो 15 रहता है यानी 75 सेकंड में 1 मिनट और 15 सेकंड होते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा 48, फिर 48 मिनट है, इसके बाद 75 सेकंड है तो 75 सेकंड हमारे पास इक्वल है 1 मिनट के और 15 सेकंड, तो 48 + 1 से 49 मिनट 15 सेकंड, तो ये हुआ पर क्लास टाइम, तो इसमें ये सही है। इसके बाद है द टेम्परेचर ऑन संडे मॉर्निंग इज 26°C।
एट आफ्टरनून इज 32°C एंड एट इवनिंग इट इज 23°C. व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे. तो तीनों को ऐड करें और इसको 3 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आता है 27. तो ये इसमें सही है. इसके बाद है -40 फारेनहाइट इज इक्वल टू -°C. तो बिल्कुल वही तरीका है, वही फार्मूला यूज़ करें, पाए ओवर 9 इंटू एफ -32 और इसमें वैल्यू पुट करें तो इससे हमारे पास आएगा -40°C. तो ये इसमें सही है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्लास 5 चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.